उन्होंने दिखाया कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं सर। ये विश्वास करने वाली बात नहीं है कि 1.5 करोड़ की ऑडी में घूमती हैं और करोड़ों करोड़ खर्च कर रही हैं। महाभारत है और कोई किसी की पुत्री है, कोई किसी का पुत्र है, परिवारवाद चल रही है। लोग जैसा कथित तौर पे कह रहे हैं कि 8-9 लाख की जो है वो सिर्फ अंगूठी पहनती है अपने हाथ में। लाखों लाख रुपए कहाँ से लाते हैं बांटने के लिए? ये तो भीख दे रहे हैं। वो एक राजनीतिक परिवार से आती है और जो राजनीतिक परिवार से आता हो वो इस व्यवस्था को कभी नहीं बदल सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ, दी चौपाल देख रहे हैं। गांधी मैदान में इस वक्त हम लोग हैं और बांकीपुर विधानसभा के जाने माने प्रत्याशी मनीष बरियार जी हमारे साथ हैं। उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, जानते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो शायद आपके मन में भी घूमते नजर आते हैं। सबसे पहले असर दशापाल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब पहला सवाल होगा जो शायद सभी लोग आपसे ही पूछते होंगे। आप अच्छे खासे एजुकेशन सेक्टर में थे, एक तो लोग इसका जवाब दे देते हैं कि देश की दुनिया की ये स्थिति हमने देखी तो इसमें आया, लेकिन कुछ आपके नज़र से ऐसा क्या हुआ कि आप आए राजनीति में? देखिए, आप राजनीति मुझसे अछूता नहीं था और अगर आप किसी भी युवा से पूछें या किसी भी बिहारी भारतीय से पूछें तो सब लोगों को राजनीति में ज़रूर उनका रुझान रहता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इससे जो है वो जुड़ी हुई है। और जो भी राजनीतिक जो लोग हैं वो लोग अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी उससे इम्पैक्ट होती है। तो ये कहना कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरा कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने अपनी समाज सेवा एक अलग ढंग से की है। जैसे एक डॉक्टर मरीज़ों को उनका उपचार करके करता है, एक शिक्षक जो है लोगों को पढ़ा कर करता है, लेकिन एक शिक्षक जो है हमेशा अपने छात्रों के साथ राजनीति वाली बात ज़रूर करता है। तभी तो आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर शिक्षक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। कई हम लोगों ने देखा कि JNU है या फिर बड़े और यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जगह, जो IITs में भी, तो शिक्षक और छात्र जहाँ भी होंगे तो पढ़ाई के अलावा राजनीति की बात ज़रूर होगी। एक सवाल और होगी सर आपसे, बांकीपुर अभी देखा जाए तो एक समय का पश्चिम चंपारण जो कि राजनीति का गढ़ माना जाता है, मोकामा को ले लीजिए, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ बनती दिख रही है। आपके सामने आपके प्रतिद्वंद्वी के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, उनके पुत्र लव सिन्हा आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी, फिर देख लीजिए भाजपा से NDA से नितिन नवीन है और आप हैं सामने में। क्या लगता है जनता क्या करेगी इस बार? नहीं, महाभारत है और सबके कोई किसी की पुत्री है, कोई किसी का पुत्र है, तो पूरी परिवारवाद चल रही है। और हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी जो है परिवारवाद के बहुत घोर विरोधी हैं, बट मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ पर भी जो है परिवारवाद उनके नज़रों के अंदर चल रहा है। पिछले 30 साल से एक ही परिवार जो है, और दूसरी जो है भाजपा हमेशा कहती रहती है कि तेजस्वी 9th पास हैं, बट पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भी जो विधायक हैं यहाँ पर वो 12th पास हैं। तो ये वही स्थिति हो रही है जो भाजपा राजद को बोलती है, राजद भाजपा को बोलती है, तो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई में मुझे लगता है कोई निर्दलीय को ही लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी कोई विजन नहीं है, कभी बातें नहीं उठाते हैं, कभी लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये राजनीतिक द्वंद्व को छोड़ कर के जो आर्थिक स्थिति की बात करे, जो युवाओं की जो शिक्षा और रोज़गार की बात करे, उस पर काम कर सके, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करें, मुझे लगता है जनता उसी को चुनेगी। थक चुकी है जनता। देखिए, 70 साल से, हम तो 15-30 साल की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो 70 साल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए और इतने अच्छे लोग हुए तो क्यों आज भी जो है बिहार 13 करोड़ में से 5 करोड़ जनता क्यों भूखी है? और पटना जैसा बांकीपुर आप लोग इतना वैल्यू दे रहे हैं, मैं तो नहीं देता इतना वैल्यू बांकीपुर को, क्योंकि यहाँ भी इतनी गरीबी है। तो आप सोच लीजिए कि अगर पटना में, बांकीपुर में इतनी गरीबी है, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं उसके पीछे के जो आप स्लम्स देखेंगे तो 40-45% पटना की जो आबादी है वो खाने को नहीं है, गंदगी में रह रहे हैं, नाले में रह रहे हैं, नाले साफ़ नहीं है, उनको राशन कार्ड नहीं है, जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की सिर्फ कागज़ पर वो सुविधाएं हैं और कुछ नहीं है। तो अब ऐसी राजनीति हो गई है कि एक आपका सिंबल है, लोग देखते भी नहीं है कि कौन है। एक पार्टी से डरे हुए लोग दूसरी पार्टी में जा कर के ठप्पा मार देते हैं और दूसरी पार्टी से जो गुस्सा हुए वाले लोग हैं ये इस पार्टी में डाल देते हैं। तो ये पार्टी वाली जो राजनीति है, अब मुझे लगता है कि पटना की जनता इसको रिजेक्ट करेगी। और जो यहाँ का है, मैं यहीं का पला बढ़ा, यहीं का जन्मा हूँ, कार्यक्षेत्र भी मेरा यहाँ रहा है, तो दो चीज़ के पटना की जनता बिल्कुल खिलाफ हो रही है। एक परिवारवाद, पैसा, इतना पैसा डाल रहे कहाँ से आता है, कोई पूछने पे लोग गुस्सा हो जाते हैं ये लोग।
कि एक कहती हैं कि आप जाकर दूसरे से पूछिए, तो मुझसे पूछिए, मैं मेरी पूरी कैंपेन जो है 70-80-90 हज़ार में, उस पर भी जो है लोगों का पैसा दिया हुआ, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, किसी ने 5 हज़ार डाल दिया, उससे मेरी कैंपेनिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ पैसों से आप चला सकते हैं। तो एक नई राजनीति, एक नई सोच है, और बिहार से, पटना से मैं बांकीपुर से एक क्रांति शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा ये आग जो मैं पूरी बिहार में लगा दूँ, क्योंकि अब बदलाव चाहिए यहाँ पर, लेकिन बदलाव दोनों से चाहिए। दोनों धड़े ऐसे ही हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, मार काट करवा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, मुद्दे जो हैं, उस पर वो कभी काम नहीं करते हैं। आप देखिए, एक 10 लाख कह रहे हैं, भगवान करे कि वो 10 लाख दे दें, लेकिन आएगा कहाँ से? ये सब लोग प्रश्न कर रहे हैं, नीतीश जी ने भी पूछा आएगा कहाँ से, अब भाजपा से उनको पूछना चाहिए कि कहाँ से आएगा, उन्होंने 19 लाख जॉब बोल दिया। तो ये आपस की लड़ाई है, आपस की लड़ाई में हम लोग मरते जा रहे हैं, 70 साल से हम लोग मर रहे हैं, गरीब रह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, इतने सारे लोग प्रवासी जो बिहारी हैं 1100 किलोमीटर चल के आए। ये भी मेरा रीज़न है कि मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि ये अब एक नई सोच, एक नई पार्टी चाहिए। मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, जीत हार तो बाहर की बात है, लेकिन एक नई पार्टी बना रहा हूँ जहाँ पर जो 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 लोगों में आत्मीयता है, जो नेताओं से डरे नहीं। अभी क्या हो रहा है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग जो लड़ाई मारपीट में हैं, हर यही सुनाई पड़ता है कि ये कभी पहले का गुंडा था, अभी जो है राज्यसभा में चला गया, ये यहाँ का था, डॉन था, ये यहाँ चला गया। बिहार को इन सब चीज़ों से अब छुटकारा चाहिए, अब नई सोच चाहिए, और मुझे लगता है कि बांकीपुर की जो जनता है इस बात को समझती है। और मैं विनती भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि आप बदल दीजिए, इन सबको रिजेक्ट कीजिए और आप निर्दलीय को लीजिए, शायद निर्दलीय जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सके, जो जिसकी सोच सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधारने पे हो, जिसकी सोच जो है वो जुड़ाव की सोच हो, बांटने की सोच नहीं हो। तो ऐसी सोच लेकर मैं आया हूँ। पहले राजतंत्र हुआ करता था, प्रजातंत्र आई, और अभी लोकतंत्र चल रहा है, और लोकतंत्र में राजनीतिक जो है एक काफ़ी अलग स्थान बनाए हुए। आप किस दृष्टिकोण से राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो भगत सिंह का चेला हूँ। भगत सिंह ने बोला था कि भूरे अंग्रेज एक समय राज करेंगे, और मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि गोरे अंग्रेज चले गए और भूरे अंग्रेज अब राज कर रहे हैं। इनसे भी हमें मुक्ति चाहिए। ये जो देखिए, जो घोषणाएँ होती हैं, और मैं बार बार हर मंच पर बोल रहा हूँ, बड़े बड़े नेता जो है कहते हैं मैंने आपके लिए कर दिया, उन्होंने अपने पॉकेट से नहीं खर्च किया है, वो हमारा ही जनता का पैसा है, हमें वापस दे रहे हैं, क्योंकि वो विफल हो चुके हैं। आखिर गरीबी क्यों है? इसलिए क्योंकि वो विफल हुए, इसलिए गरीबी है। आखिर लोगों को रोज़गार क्यों है, क्यों बेरोजगारी? क्योंकि वो विफल हो गए, इतने सालों से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो घोषणाएँ हो रही हैं, मैं 10 लाख जॉब दे दूंगा, 19 लाख जॉब दे दूंगा, ये हमें फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें बिहारी जनता को भीख नहीं चाहिए, आप हमें एम्पावर कीजिए, एक छोटी सी चीज़ कर दीजिए, शिक्षा। 70 साल हो गए, आज भी महिलाओं में 55% जो है सिर्फ जो है शिक्षित लोग हैं, 45% अशिक्षित हैं, पुरुषों में 35% अशिक्षित हैं। कम से कम शिक्षित तो कीजिए, यह आपका ड्यूटी था, कहाँ चले गए आप? प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है सबके लिए, लेकिन कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को गाली देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और इसी गालियों के आदान प्रदान में हम लोग डूबे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आपने भी सर बताया कि सभी को बदल दीजिए, लेकिन लोगों के मन में तो एक डर होती है कि जिसे हम चुन के लाते हैं वो भी शायद कहीं ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, नया बिहार है, नया देश है हमारा, और आप जैसे युवा, और मैं युवा तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन हाँ बीच बीच में तो मैं ज़रूर हूँ, थोड़ा युवा से बड़ा और बूढ़े से कम, हमारी सोच अलग है। मैं कभी ऐसा आज तक मैंने किसी को, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैंने आपका कास्ट नहीं पूछा, आप कहाँ, क्या कास्ट है आपका। मैंने अपने ज़िंदगी में जिससे भी मिला हूँ, मैं ना कोशिश किया हूँ कि उसकी कास्ट क्या है, धर्म तो पता चल जाता है इसलिए आप नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कास्ट किसी का नहीं पूछा। तो अब ऐसी राजनेता होनी चाहिए जो दूसरे का दिल ना दुखाए। आज बिहार में क्या है, कोई एक पार्टी है जो दूसरे के बारे में कुछ, देखिए उनका अहित भी नहीं करती है, लेकिन बोल करके दिल दुखा देती है एक पार्टी, फिर दूसरी जो है वो भी बोल करके दूसरे का दिल दुखा देती है, और इससे जो है दोनों तरह के समर्थक जो है गोलबंद हो जाते हैं। समर्थक बेवकूफ़ हैं, वो समझते नहीं हैं कि ऐसा जो है जानकर बोला जाता है ताकि ये जो राजनेता हैं अपने कुछ हिस्सों के लोगों को गोलबंद कर सकें। मेरा काम है इनको समझाना बुझाना, और अपनी ज़िंदगी मेरी जब तक है मैं इनको समझाऊँगा बुझाऊँगा और बताऊँगा कि देखो दिल्ली के लोग ये दोनों तरह की राजनीति को, उन्होंने कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर दिया और भाजपा को भी रिजेक्ट कर दिया,
कुछ थोड़ी बहुत तो बदलाव आई है। ऐसे ही जो है उड़ीसा में आप देखिए नवीन पटनायक को भी जो है उन्होंने उनको तो उड़िया भी बोलने नहीं आता ठीक से, लेकिन वो काम अच्छा करते हैं, वहाँ भी जो है नेशनल पार्टी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एक समय आ गया है कि अब क्षेत्रीय पार्टी जो जोड़ने की बात करे, जो लोगों की जो 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 लोगों को ना तोड़े नहीं, और तोड़ने की बात भी नहीं है, देखिए अब छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को हर्ट करती हैं वो ना करें, और सिर्फ उनका फोकस होना चाहिए यहाँ से अशिक्षा कैसे हटाएं, बेरोजगारी और भूख इतना है यहाँ पर, ये कैसे हटाएं, और थोड़ा एक अच्छा सा राज्य बनाएं। आप मध्य प्रदेश जाइए, इंदौर जाइए, कितना अच्छा शहर लगता है, राजधानी है, गाँव खुशहाल है, वैसा ही चाहिए हमें। लेकिन लोगों के उन सवाल का क्या होगा जो अक्सर बोलते नजर आते हैं कि चुनाव के समय में कोई नेता हो, अदरल मतलब किसी भी नेता को आप ले लीजिए, वो बोलते तो हैं चुनाव से पहले लेकिन करने के समय में गायब हो जाते हैं, तो उनके इस भय को कैसे दूर किया जाए? देखिए अब बिहार में नए लोग चाहिए, नई राजनीति चाहिए, इन सबको हमें हटाना होगा। ये लोग इनकी जो जड़ें हैं ये जड़ें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, तो जब भ्रष्टाचार से ये जुड़ी हुई जड़ें हैं, इनको पता है कि जो मेरा वोटर है उसको तो वो अशिक्षित है, उसे पता नहीं, और जान के शायद षड्यंत्र के तहत जो है इनको अशिक्षित रखा जाता है। तो सबसे पहला मेरा जो अभियान होगा चुनाव के बाद, वो मैं विधायक बनूं ना बनूं, मैं भगवान से और जनता से भी बोलूँगा कि अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं शिक्षा पे काम करूँगा। एक बार आपने शिक्षा का हथियार किसी को दे दिया वो अपना हक छीन लेंगे, तो ये सारे जगहों से मैं बोल रहा हूँ कि आप शिक्षा दे दीजिए, कलम उनके हाथ में दे दीजिए, वो ढूंढ लेंगे अपना हक, उनको भीख की ज़रूरत नहीं है। अभी के राजनेता चाहे इधर के हों या उधर के हों, सिर्फ हमें भीख देने की बात करते हैं, हमारा ही पैसा हमें भीख देने की बात करते हैं। तो मैं इसका विरोधी हूँ, कोशिश करूँगा एक मतलब तिरंगा लेके बढ़ा हूँ, और आप सबका सहयोग चाहिए, और जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है, आज नहीं तो कल मेरी बात जो है आप लोगों के माध्यम से लोगों को पहुँचेगी, और वो बोलेंगे नहीं कोई आदमी एक सही बात बोल रहा है, कि ये आपस में लड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनका ना इधर, मिलजुल करके सिर्फ ये डिमांड करें कि ऐसा कैंडिडेट जो काम करता हो और सही मामले में काम करता हो। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई सैनिटाइज़र बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, ये भी देखिए इनकी सोच नहीं है, पैसा कहाँ से लाते हैं, लाखों लाख रुपए कहाँ से लाते हैं बांटने के लिए, ये तो भीख दे रहे हैं, कहीं से लाते हैं, कहीं से पैसा जुगाड़ करते हैं, यहाँ डालते हैं, फिर उनको पैसा लौटाते हैं, यही भ्रष्टाचार का कारण है। लेकिन लोग समझते हैं कि मेरे लिए बहुत कर रहा है, इन सब राजनीति से भी आगे बढ़ना है। अगर आपको ऐसे जनप्रतिनिधि चुनिए जिन्हें समझ है, जो नीतियों से आपको अधिकार आपका दे सके। राशन कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैसा और वो जो सारा सामान है उनके थ्रू भीख के रूप में लोगों को जा रहा है, इसीलिए तो राशन का भी पैसा जो है और राशन जो है इधर उधर से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा, मेरा काम है मैं लोगों को समझाऊँ। आखिरी सवाल सर आपसे नहीं होगी, एक सवाल और होंगी। हाँ। सामने दो नई पार्टियां, वैसे बांकीपुर में काफी उम्मीदवार हैं, दो हाँ। नई पार्टियां, एक आपकी और एक हाँ। पुष्पम प्रिया चौधरी के पुरलंस जी। क्या लगता है दोनों के बीच में इस बार जनता क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि वो भी शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में काफी कदम उठाई और आप भी, जनता किसे चुनेगी? देखिए मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, दो बातें बोलूंगा। एक, ये सब पूछ रहे हैं और पत्रकार से लेकर बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, और जो राजनीतिक परिवार से आता हो वो इस व्यवस्था को कभी नहीं बदल सकता है। आप देखिए दिल्ली में भी राजनेता जो परिवार से आए वो व्यवस्था को नहीं बदल पाए, और बाकी जगह भी ऐसा ही हो रहा है। क्रांति कहीं भी हुई है तो वो राजनेता जो ऊपर से पैराशूट से उतरा हो वो नहीं कर सकता है। ये दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा, हमें नहीं पता कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि 1.5 करोड़ की ऑडी में घूमती हैं और करोड़ करोड़ खर्च कर रही हैं, बताना चाहिए उन्हें। ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं महिला हूँ तो आप मुझसे पूछ रहे हैं और पुरुष जो हैं उनसे आप नहीं पूछते हैं, ये सही नहीं है। और आखिरी बात, उनका अभी काम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, यंग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छा है वो एक नई सोच लेकर आई हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन उनसे सवाल ना पूछा जाए ऐसा नहीं है। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे और कठिन सवाल पूछे जाएंगे, और जनता को उनको जवाब देना होगा कि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, जो आपकी सोच है उसके पीछे क्या आप सही मामले में आपकी आप मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने दिखाया कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं सिर्फ, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया 4,000-5,000 लोग, जैसा कथित तौर पे कह रहे हैं कि 8-9 लाख की जो है वो सिर्फ अंगूठी पहनती हैं अपने हाथ में, तो मैं नहीं कहता हूँ आप ठीक है आपके पास पैसा है आप दिखाइए, लेकिन छुपाइए मत, ठीक है, ये मत बताइए कि मैं गरीब हूँ,
और जो है मेरे पास एक फ्लैट है पटना में, किसके पास अगर फ्लैट है तो 40-50 लाख से कम का नहीं हो सकता है। मैंने अपने नॉमिनेशन में डाला है, जो मेरे पास FD है मैं डाला हूँ, तो मुझे सच के साथ हूँ, मैं इस तरह की राजनीतिकों के साथ नहीं जाऊँगा और या उसका मैं आदर नहीं करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। और मुझे इस बात का ज़रूर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर झूठ चल रही है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं होगा, आपको सच होना होगा, सच्चा होना होगा और कठिन रास्ता लेना होगा, तभी आप जनता का और उनका मन और विश्वास जीत सकते हैं। आखिरी सवाल होगा सर आपसे, एक समय था जब देवी देवताओं या फिर बोले तो संगीतकार मिलके संगीत के 7 सुर निकाले थे, अब बांकीपुर के विकास के लिए अपने मैनिफेस्टो में आपने 9 सुर दिए हैं, क्या लगता है इस 9 सुर से बांकीपुर में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए, आप विधायक के तौर पर जो मेरी जो फंडिंग आती है और जो मेरी शक्ति है, मैंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखा है, तो आपने देखा होगा जो मेरे 9 सुर हैं उसमें मैंने बोला कि जो रिक्शा वाले हैं जो उनको मैं इलेक्ट्रिक कर दूंगा, तो मैंने देखा कि वो करीब करीब 10,000 हैं और उनको इलेक्ट्रिक करने में जो है करीब करीब मैं देख रहा था 20-25 हज़ार रुपये लगता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरे खाते के अंदर है। मैंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनके लिए कटाई सिनाई बुनाई इन सब की ट्रेनिंग करा दूंगा, तो हर साल 2 करोड़ एक विधायक को मिलता है, 10 करोड़। तो आप देखिए, सड़कें तो सरकार राज्य सरकार बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है, तो मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ कि वहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूँ संगमरमर से लिखा हुआ कि मैंने कर दिया। तो इन सब चीज़ों में, जिस पर शिक्षा, बाथरूम नहीं है महिलाओं के और लड़कियों के लिए, बाथरूम नहीं है यहाँ पर सरकारी स्कूल में, मैं बहुत सारे सरकारी स्कूल में भी जा रहा हूँ, कहाँ कैसे होगा एनरोलमेंट, कहते हैं महिला नहीं है वहाँ, लड़कियाँ नहीं है, तो मैं उसको साफ सुथरा रखना। शिक्षक जो हैं वहाँ अगर हैं तो बेहाल हैं, उनकी कुछ अपनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैंने सोचा है कि कंपनीज के पास जाऊंगा, उनको बाध्य करूंगा कि आप CSR के तहत और मेरी जो फंडिंग होगी आप गोद ले लें बच्चों को, आप एक स्कूल को गोद ले लें और स्कूल को गोद लेकर के इन बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाएं। तो मेरे पास नई सोच है और जितने भी 9 सुर मैंने बात की है वो जैसे व्यवसायियों के लिए मैंने बोला है कि उनका जो GST और इनकम टैक्स जो है, मैं वो कोशिश करूंगा कि 100 रुपये साल में उनका मैं कागज़ अच्छा बनवा दूं। मैं जितने भी व्यवसायी भाइयों से मिला हूँ उनको, उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, तो सरकार की कोरोना काल में जो भी सुविधाएं मिली हैं वो ले नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, ना उनको लोन मिलता है, बैंक जाते हैं तो धक्का मार देते हैं। बांकीपुर अक्सर बरसात में टापू बन जाते हैं। बांकीपुर देखिए, यहाँ पर जल जमाव जो है पूरे पटना में काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि बांकीपुर में कम, कुछ कुछ जगहों में बांकीपुर में बहुत ही हालत ख़राब है, नाले हैं, जैसे मंदिरी चले जाइए 70 साल हो गए आज तक ये नाला नहीं गया, आप दलदली चले जाइए वहाँ के लोग बड़ी परेशानी है, वहाँ पर बहुत एक बड़ा नाला गंदगी से जूझा जा रहा है। मौका मिलने के बाद सबसे पहले उसके लिए आप क्या कीजिएगा? मौका मिलने पे सबसे पहले मैं 2 नाले बनवाऊँगा, एक तो पहली चीज़ है, और दूसरा मैं शिक्षा पे काम करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में और पूरे बिहार में शिक्षा का लौ जलाऊँ, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप केरला में देखिए, लोग अमीर नहीं हैं, सब मिडिल क्लास हैं। मेरा सपना यही कि बिहार कम से कम मिडिल क्लास तो बने, निम्न से मध्यम परिवार तो बने, कम से कम खाना पीना शिक्षा करना लोगों को अच्छे स्कूल में भेजना ये तो बने, और दूसरा यहाँ के अस्पताल पे मैं काम करना चाहूँगा। आपने देखा कोरोना के समय में, और ऐसे भी हमें पता था, उड़ीसा मॉडल बड़ा अच्छा है, एक एक प्राथमिक उपचार केंद्र पे कैट स्कैन 1.5 करोड़ का है। मैं तो कर नहीं सकता हूँ, विधायक के मद में नहीं होता है, लेकिन सरकार से मैं अपील कर सकता हूँ, मैं आंदोलन चला सकता हूँ कि आप एक एक प्राथमिक केंद्र में कम से कम आप ये रखिए। आप देखिए, बिहारियों में, अगर आप तो बिहारी हैं आप जानते हैं, गरीब और मध्यम परिवार जो है गरीब बनता है बिहार में अपने लोगों के उपचार कराने में, आधा पैसा उनका इसी में खर्च हो जाता है, ना वो इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, हाँ, वो तो आई है, आई है, लेकिन किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे विधायक फेल हैं। उनको तो एक घर घर जा करके उनको देखना था या उनके ऑफिस से कि कार्ड है या नहीं, और कार्ड है तो कई जगह जा रहे हैं ये, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्पताल में उनको ले नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों पे काम करना होगा, घोषणाएँ बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी जो है वो विधायक और जो वहाँ के लोकल DM होती है उनकी है। तो विधायक जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे तंत्र पे कि आप ये काम कीजिए, तब तक कौन करेगा? तो तंत्र भी यहाँ जो है सुस्त है, क्योंकि विधायक सुस्त हैं। तो ये सब चीज़ें तो उनका काम था, मुझे लगता है कि उस पर उनको काम करना चाहिए था, और इसीलिए उसी विरोध स्वरूप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा तो उन तक पहुँचेगी, और अगर वो जीत भी गए तो सबसे पहला है मैं उनको 5 साल चैन से बैठने नहीं दूंगा, उनको काम करवाऊँगा, अपनी आवाज़ सुना सुना कर को काम कराऊँगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो विरोधी होते हैं उनका यही काम है विपक्ष का। इनकेस अगर मैं विपक्ष में आया, जीत नहीं पाया, तब भी जो है उनको मैं परेशान करूंगा ताकि जनता के लिए वो काम करें, और मैं तो अपने जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं ज़रूर काम करूंगा।